मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब लोग। चलो अपना टॉपिक चल रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव में मेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव के अभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन ऑर्गन अपन ने पढ़ लिया था जो था स्क्रोटम। सेकेंड ऑर्गन है वो आज अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, टेस्टिस। देखो बेटा टेस्टिस इसको अपन मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन रिप्रोडक्टिव भी बोल सकते हो, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। जैसा फीमेल में ओवरी होता है उसी तरीके से मेल के अंदर टेस्टिस होता है। क्योंकि ये इसका जो काम होता है वो होता है एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना और दूसरा क्या करना, टेस्टोस्टेरोन जो हॉर्मोन है उसका सिक्रीशन करना। तो हॉर्मोनल रेगुलेशन जो हॉर्मोनल रेगुलेशन है वो मेंटेन करना और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी प्रोसेस को इस्टैब्लिश करना, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इस्टैब्लिश करना और क्या करना, जो हॉर्मोन है हॉर्मोन में मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसका क्या करना, रेगुलेशन करना किसका काम होता है, टेस्टिस का होता है। इसलिए इसको आप मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये पेड ऑर्गन है। कैसा है, पेड ऑर्गन है। पेड ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर में कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो होते हैं नंबर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, पेड ऑर्गन बोलते हैं। कहां सिचुएटेड होते हैं, स्क्रोटम में सिचुएटेड, इन द स्क्रोटम। किसके अंदर सिचुएटेड होते हैं, स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। स्क्रोटम अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। और जस्ट बीनीथ माने तो जस्ट नीचे की साइड में या जस्ट इन्फीरियरली अपन मान सकते हैं किसके, पेनिस। पेनिस के कैसे रहते हैं, इन्फीरियर। ये ऑर्गन कैसा ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसलिए आप इसको मान सकते हो कि इट इज होमोलोगस टू द ओवरी। होमोलोगस टू द ओवरी। ओवरी के कैसा है, होमोलोगस कैसा है, होमोलोगस है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस एंड एनालोगस, पता है होमोलोगस का मतलब क्या होता है, एनालोगस का मतलब क्या होता है, क्या होता है एनालोगस का मतलब स्ट्रक्चर समान और होमोलोगस का मतलब फंक्शन समान। देखो एनालोगस एना से याद रखो एनाटॉमी, क्या याद रखो एनाटॉमी, और एनाटॉमी में किसकी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर। तो जिनकी स्ट्रक्चर समान एनालोगस, जिनके फंक्शन समान होमोलोगस। फंक्शन समान कैसे हुए ओवरी के, ओवरी का काम भी क्या होता है, हॉर्मोन प्रोड्यूस करना, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दूसरा क्या करता है, ये फीमेल गोनाड्स या फीमेल जो जर्मिनेटिव सेल्स है ओवम, ओवम का प्रोडक्शन करती है, किसका प्रोडक्शन करती है, ओवम का। और जो ऊजेनेसिस की प्रोसेस है उसको इस्टाब्लिश करती है, मतलब क्या है कि ये गैमेट का फॉर्मेशन करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, गैमेट का। ओवरी भी गैमेट का फॉर्मेशन करती है और टेस्टिस भी किसका फॉर्मेशन करती है, गैमेट का। ये कौन सा गैमेट, ये स्पर्म बनाता है, टेस्टिस स्पर्म बनाता है और ओवरी क्या बनाती है, ओवम बनाती है। ठीक है, इसलिए इनके फंक्शन क्या है, सम्मान। ठीक, नेक्स्ट वन अगर बात करें अपन टेस्टिस की, तो टेस्टिस कैसे है, राउंडेड या ओवल शेप, कैसे है, ओवल शेप, ओवल शेप गोनाड्स।
कैसे है, ऑल सेव गोनाड्स है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा अटैच रहते हैं। किसके द्वारा अटैच रहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। इट अटैच अटैच्ड बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड डिसेंडेड डिसेंडेड इन द स्क्रोटम। स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा ये क्या रहते हैं? अटैच्ड रहते हैं और किसके अंदर डिसेंडेड रहते हैं? स्क्रोटम के अंदर डिसेंडेड रहते हैं। कैसे? यहां देखो, ये टेस्टिस है, ये क्या है? टेस्टिस है। जो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अटैच रहते हैं किससे? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। और कहाँ डिसेंडेड है? स्क्रोटम के अंदर। ये वाली जो देखो पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर डिसेंडेड रहते हैं, स्क्रोटम स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं और किसके द्वारा अटैच रहते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके द्वारा अटैच रहते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको बड़ी सी दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, और ये टेस्टिस है, ये जो बाहर की साइड में जो आवरण दिखाई दे रहा है वो क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेस्टिस की अपन बात करें कि इसके साइज कितनी होती है, इसकी शेप क्या है। शेप तो अपन ने पढ़ ली, कैसा है? ओवल शेप। कैसा है? अंडाकार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी साइज की बात करते हैं। देखो अंडाकार है तो इसकी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस तीनों चीज देखी जाएगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अंडाकार होती है, ओवल शेप है, दैट मींस इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो इसकी लेंथ विड्थ और ये जो इसकी थिकनेस है, वो तीनों चीज अपन क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ है जो इसकी होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जो ये वाली है लंबाई, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर बात करें इसके थिकनेस की, इसकी मोटाई की, तो ये वाली जो इसकी मोटाई है वो थिकनेस होती है, वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर बात करें इसकी चौड़ाई की, कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी विड्थ होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ये वाली हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये वाली हो जाएगी 2 to 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है वो कितनी रहती है? 5 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं इसके वेट की, कि टेस्टिस है इनका वेट कितना होता है, तो वेट होता है 15 से 30 ग्राम। 15 से 30 ग्राम क्या होता है? इसका वेट होता है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, विड्थ चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, मोटाई 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट कितना होता है? इसका वजन होता है वो होता है 15 से 30 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं इसके ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अपन। ग्रॉस एनाटॉमी में देखें, नेक्स्ट वन है कि इसके कितने बॉर्डर होते हैं, कितने सरफेस होते हैं और इसके कितने पोल्स होते हैं। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो इसके दो बॉर्डर होते हैं, दो पोल होते हैं और दो सरफेस होते हैं। बॉर्डर, पॉल और सरफेस। टू बॉर्डर होते हैं,
दो ही पोल होते हैं और दो ही क्या होती है, सरफेस होती है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इसके कौन कौन से बॉर्डर है। तो इसके दो बॉर्डर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। दो पोल है, अपर पोल और लोअर पोल। दो सरफेस है, मीडियल और लेटरल। तो बॉर्डर कौन कौन से हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर। पोल कितने हैं? दो पोल, अपर पोल एंड लोअर पोल। ठीक, दो सरफेस, लेटरल एंड मीडियल। तो बॉर्डर कितने होते हैं? दो, एंटीरियर पोस्टीरियर। पोल कितने होते हैं? दो, अपर एंड लोअर। और दो ही क्या होती है? इसकी सरफेस होती है। बात करते हैं अपन, देखो इस तरह से सिचुएटेड रहते हैं अपने। टेस्टिस इस तरीके से सिचुएटेड, इसलिए इसके दो पोल हो गए, अपर पोल लोअर पोल। ठीक है, बॉर्डर ये सामने वाला एंटीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर। सरफेस मीडियल, मीडियल का मतलब है नियरर टू द और फार। ठीक है, ये मीडियल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? लेटरल हो जाएगी। अपन डायग्रामेटिकली देखें तो देखो यहां देख सकते हैं, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अपन यहां देखें इस स्ट्रक्चर में कि कौन सी स्ट्रक्चर कहां होती है, किस तरह से बॉर्डर वगैरह सिचुएटेड रहते हैं। तो अभी देख लो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, या फिर यहां मान लो, ठीक है, ये राउंडेड जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, तो इसके बॉर्डर की बात करें तो इसके दो बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कंप्लीटली कवर्ड बाय द ट्यूनिका वेजाइनलिस। जो ये एंटीरियर बॉर्डर है, जो सामने की साइड में जो बॉर्डर है वो कंप्लीटली कवर रहता है, किसके द्वारा? ट्यूनिका वेजाइनलिस के द्वारा। देखो ये जो डायग्राम है वो आपके बॉर्डर का है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। देखो ये एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर जो कंप्लीटली कवर रहता है किससे? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, ये वाला बॉर्डर कंप्लीटली कवर रहेगा किससे? ट्यूनिका वेजाइनलिस। फिर बात करें अपन किसकी? पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कंप्लीटली कवर्ड रहता है किससे? एपिडिडाइमस। देखो ये सामने की साइड में है, ठीक है, और ये कौन सा है? पीछे की साइड में। तो ये वाला कवर किसके द्वारा है? एपिडिडाइमस के द्वारा। ये वाली स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे अपन क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। तो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो किससे कवर रहता है? एपिडिडाइमस से। और एंटीरियर बॉर्डर किससे कवर रहता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, बॉर्डर समझ में आ गया। दो बॉर्डर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉर्डर किससे कवर रहेगा? ट्यूनिका वेजाइनलिस से। और पोस्टीरियर किससे कवर रहेगा? आपके एपिडिडाइमस। किससे रहेगा? एपिडिडाइमस। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको एपिडिडाइमस बोलोगे। अब आपके समझ में आ रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर? तो आराम से, एंटीरियर का मतलब सामने की साइड में, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? पोल्स की। दो पोल होते हैं, कौन कौन से? अपर पोल और लोअर पोल। अपर पोल की बात करें तो अपर पोल है वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटरली। क्या है कि थोड़ा सा फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ। और लेटरली का मतलब साइड में। अगर अपन डायग्रामेटिकली यहां पे तो अपन को दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये तो एकदम इरेक्ट पोजिशन के अंदर डायग्राम है। अगर अपन देखें कि स्क्रोटम के अंदर इसकी सिचुएशन के आधार पर देखें कि स्क्रोटम में किस तरीके से सिचुएटेड रहते हैं, तो उसके आधार पर अपन देखें तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये, या देखो ये स्क्रोटम है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्क्रोटम है, ये टेस्टिस है। अब देखो अपर पोल की बात करें, अपर पोल है वो क्या है? डायरेक्टेड फॉरवर्ड। तो देखो इस पोल की बजाय ये वाला पोल थोड़ा सा क्या है? आगे की तरफ झुका हुआ है। कैसे झुका हुआ है? आगे की तरफ, टिल्ट फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ रहता है। और दूसरा क्या बता रहा है ये कि इसके साथ में ये लेटरली, लेटरली का मतलब थोड़ा सा
साइड में भी। तो ये होता कैसे है, जैसे अपन बात करें कि एक टेस्टिस है, ठीक है, तो टिल्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, अपर बॉर्डर वो थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है, तो ऐसे देखें तो ये आगे की तरफ झुका हुआ है, और लेटरली, लेटरली का मतलब इस तरीके से आगे की तरफ प्लस में साइड में, मीडियली होता तो आगे की तरफ, मीडियल इस तरफ से हो जाता, ये कैसे है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ और लेटरली, तो इस तरीके से भाई ये वाले मिड लाइन मानते हैं अपन, ठीक है। मिड लाइन की तरफ होता है उसको तो क्या बोलते हैं अपन, मीडियन बोलते हैं। मिड लाइन से दूर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटरल बोलते हैं। इस ये क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, तो आगे की तरफ मतलब ये थोड़ा सा आगे झुका हुआ रहता है, और दूसरा क्या बता रहा है कि लेटरली, तो ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये मिड लाइन है, अपर पोल देखो मिड लाइन से थोड़ा सा दूर है कि नहीं है, और आगे की तरफ भी है, इस तरीके से सिचुएटेड रहता है, समझ में आया। अपर पोल कैसे रहता है, थोड़ा सा फॉरवर्ड आगे की तरफ झुका हुआ और थोड़ा सा साइड में झुका हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो लोअर पोल है, लोअर पोल टिल्ट बैकवर्ड और मीडियली, समझ में आया क्या, टिल्ट बैकवर्ड एंड मीडियली। अब देखो अपन इसी इससे देख लेते हैं, ये मानो के टेस्टिस और ये मिड लाइन आपकी, ठीक है। अगर मिड लाइन के साथ में रिलेशन देखे तो ये ना तो फॉरवर्ड है, ना बैकवर्ड है, ना लेटरल है, और ना ही मीडियल है। देख रहे अपने क्या पढ़ा कि टेस्टिस फॉरवर्ड होता है, अपर पोल, ये वाला पोल है वो अपर पोल है, ये वाला पोल है वो लोअर पोल है, ये लोअर पोल, ये अपर पोल, ठीक है। अपर पोल कैसे है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ झुका हुआ, और दूसरा क्या बता रहा है, लेटरल है, तो ये देखो ये आगे की तरफ झुक गए, ठीक है, और ये लेटरल हो गए, ठीक है। अब देखो इसकी, इस पोल के रिलेशन में ये पीछे की साइड में है कि नहीं है भाई, देखो यहां से देखोगे तो ये देखो ये कितना पीछे, इतना पीछे, ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना पीछे, और यहां से देखो तो ये क्या बोल रहा है कि लोअर पोल तो है बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे की साइड में, देख लिया पीछे की साइड में है, और मीडियल, मीडियल का मतलब पास में है मिड लाइन के। अब देखो ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, देखो डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, ये थोड़ी है डिस्टेंस, कम डिस्टेंस है, और ये क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए ये क्या हो गया, मीडियल है और क्या है, बैकवर्ड है, पीछे की साइड में है और मिड लाइन की तरफ है। ऊपर वाला पोल कैसे होता है, लेटरल और आगे की तरफ, ठीक है। तो दो पोल और दो बॉर्डर आपने देख लिए, बॉर्डर और पोल किस तरीके से सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो पोल है, जो अपर पोल है, अपर पोल के जो टॉप, टॉप है अपर पोल का जो टॉप है, वहां पे एपिडिडाइमस सिचुएटेड रहता है, वहां से एपिडिडाइमस निकलता है, दिख रहा है ये अपर पोल है, यहां से क्या निकल रहा है, एपिडिडाइमस निकल। और अगर अपन बात करें कि इसकी लोअर पोल की बात करें, तो लोअर पोल से लोअर पोल है वो जस्ट नियरर टू द स्पर्मेटिकॉर्ड, किसके नियर रहता है, स्पर्मेटिकॉर्ड, देखो ये लोअर पोल है और यहां से स्पर्मेटिकॉर्ड निकल रहा है। तो आपको समझ में आ गया, दो पोल होते हैं और दो बॉर्डर होते हैं। फिर बात करते हैं अपन किसकी, सरफेस की, कितनी सरफेस बताई, दो सरफेस, कौन कौन सी, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। तो दोनों सरफेस कैसी होती है, कॉनवेक्स, कैसी होती है, कॉनवेक्स और स्मूथ। कॉनवेक्स का मतलब जानते हो, कॉनकेव, कॉनवेक्स फिजिक्स में पढ़ा है, कॉनकेव कॉनवेक्स पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखो ये कैसा है, कॉनकेव या कॉनवेक्स, कॉनवेक्स, ये कैसा है, कॉनवेक्स, ये कैसा है, कॉनकेव, ये अवतल और ये उत्तल। कॉनकेव से याद रखो, जिसकी केव, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, किसके अंदर बन रही, देखो केविटी, इसके अंदर केव, गुफा बन रही है, इसके अंदर गुफा नहीं बन रही, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, कौन है? केव बोलोगे, ये कॉनवेक्स। तो यहां देखो कैसी है सरफेस, अरे कॉनवेक्स है कि कॉनकेव है, कॉनवेक्स, 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 कैसी सरफेस है, कॉनवेक्स,
ठीक है, ये सरफेस कैसे होते हैं दोनों, मीडियल सरफेस भी कॉन्वेक्स होती है और लेटरल सरफेस भी कैसे होती है कॉन्वेक्स होती है। इसको मीडियल बोलोगे क्योंकि ये मिड लाइन की तरफ है और ये मिड लाइन से दूर है, इसलिए इसको क्या बोलोगे लेटरल बोलोगे, समझ में आया। और कैसे होती है स्मूथ, कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स और कैसे होती है स्मूथ होती है। अपने अभी क्या देखे हैं, दो बॉर्डर देखे हैं, दो पोल देखे हैं और दो सरफेस देखी है, इसका डायमीटर देखा है और ये क्या होता है इतना आपने देखा। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इसकी कवरिंग, कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की जो कवरिंग होती है उसमें तीन लेयर्स प्रेजेंट होती है, कितनी लेयर प्रेजेंट होती है तीन लेयर, कौन कौन सी होती है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट वन जो सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, अपन बात करें कि टेस्टिस है वो तीन लेयर का कोट होता है, टेस्टिस के ऊपर तीन लेयर की आवरण प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन जो सबसे ऊपर की साइड में जो लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, सबसे बाहर वाले जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये रहा आपका ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये सबसे जो बाहर की साइड में जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। सेकेंड मोस्ट जो लेयर होती है उसको बोलते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकेंड लेयर देखो यहाँ पे ये जो बीच में यहाँ लेयर दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और थर्ड वन जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, क्या बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रही, अंदर की पार्ट में जो सबसे अंदर जो वेस्कुलर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो यहाँ जो ये लोब्यूल्स है जहाँ लोब्यूल्स बने होते हैं वहां वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इनर मोस्ट जो वेस्कुलर कोट होता है टेस्टिस की, जो जितने भी लोब्यूल्स है, ये वाले जो लोब्यूल्स है ना, ये लोब्यूल्स, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, इन लोब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को क्या बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कितनी लेयर होती है तीन लेयर, ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे बाहर की साइड में, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल की तरफ में बीच के साइड में, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा कौन सी होती है अंदर की साइड में, जो आपके ये लोब्यूल्स है इन लोब्यूल्स की लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलोगे आप ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और ये जो बीच वाले ये क्या ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आ रहा समझ में, तीन लेयर है, सबसे बाहर वाले ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल वाले ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाले ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है वो किसकी आवरण होती है, जितने भी जो लोब्यूल्स बनते हैं किसके अंदर टेस्टिस के अंदर, उन लोब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होती है कौन सी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, अब अपन एक एक जो ले रहे हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर सॉरी, कैसी है आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की तरफ सिचुएटेड होती है, क्लॉज सीरस सेक है, क्या है एक सीरस सेक है। और ये सेक किसका है, एक पेरिटोनियम का है, किसका है पेरिटोनियम का है। आपने पेरिटोनियल कैविटी पढ़ा है, पेरिटोनियम पढ़ा है, पेरिटोनियल कैविटी पढ़ा है, जो पेरिटोनियल जो सेक होता है उसका ही पार्ट है, क्या है ट्यूनिका वेजाइनलिस। जब टेस्टिस डिसेंड होते हैं आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, सुना होगा कि टेस्टिस जब डिसेंट होते हैं तब ये पहले इनगोइनल केनाल के थ्रू टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं, किसके थ्रू इनगोइनल केनाल के थ्रू टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं। बिफोर मेच्योरेशन टेस्टिस कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। और एब्डोमिनल कैविटी की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन पेरिटोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरिटोनियम बोलते हैं। तो जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम से पेरिटोनियम का ही क्या एक डेरिवेटिव है, कौन है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये किसका डेरिवेटिव है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ पेरिटोनियम। किसका डेरिवेटिव बेटा, पेरिटोनियम का ही या पेरिटोनियल सेक।
या पेरिटोनियम की जो कैविटी है, पेरिटोनियल की जो कवरिंग है, उसी का क्या है, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब उसी से इसका क्या होता है, पर प्रोडक्शन होता है, या इसी से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो अपन देखें कि जब पेरिटोनियल सेक है, बिफोर से पहले जो ग्रेटर पेरिटोनियल सेक होते हैं, पेरिटोनियम का जो सेक होता है, पेरिटोनियल बहुत बड़ी कैविटी है पेरिटोनियम, उसका जो ग्रेटर पेरिटोनियल जो सेक है, उसी से ये क्या निकलता है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता है, उससे पहले टेस्टिस क्या होते हैं, डिसेंट होते हैं, कहां पे, इनगोइनल केनाल के थ्रू स्क्रोटम में आते हैं। जब स्क्रोटम में आते हैं, उस टाइम क्या होता है कि ट्यूनिका वेजाइनलिस की जो पेरिटोनियम का होता है ना, उसकी कवरिंग को साथ में लेके आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये पेरिटोनियम है, ठीक है, ये जब ये मानते हैं अपन टेस्टिस है, ये पेरिटोनियम से जब डिसेंट होगा ना, तो कुछ जो लेयर है पेरिटोनियम की, इसके साथ में चिपक के आ जाएगी। जैसे यहां मानते हैं अपन ये लेयर है, ठीक है, चारों तरफ, तो ये इसको भेद के बाहर आएगा, तो इसकी कुछ कवरिंग तो आएगी कि नहीं आएगी, चिपक जाएगी इसके बाहर, इस तरीके से चिपक के क्या आपके सराउंडिंग कवर करवा के लेके आ जाता है, किसको, पेरिटोनियम को। यहाँ पे ये पेरिटोनियम का ही रूप होता है, लेकिन ये कहाँ कहाँ आ गया है, टेस्टिस के कवरिंग पे आ गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूनिका वेजाइनिस, वेजाइनलिस बोलते हैं। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस, इसकी भी दो लेयर होती है, एक तो होती है विसरल और एक होती है पेराइटल। कितनी होती है, दो लेयर होती है, विसरल और पेराइटल। जो विसरल लेयर है वो टेस्टिस की तरफ होती है। देखो यहां अपन बात करते हैं किसकी, ट्यूनिका वेजाइनलिस की। किसकी बात करें, ट्यूनिका वेजाइनलिस की। जो ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये भी दो होती है, दो पार्ट होते हैं, किसके, ट्यूनिका वेजाइनलिस। एक पार्ट होता है जो किसकी तरफ है, टेस्टिस की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूनिका वेजाइनलिस के दो पार्ट है, विसरल और पेराइटल। जो टेस्टिस की तरफ है उसको तो बोलेंगे विसरल, इसको तो क्या बोलेंगे अपन, विसरल। और जो दूसरी किसकी तरफ है, स्पर्मेटिक कॉर्ड की तरफ, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अपने स्क्रोटम की लेयर पड़ी थी पांच, कौन कौन सी पड़ी थी, स्किन, डॉटस मसल्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्टेरिक मसल्स और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। पांच मसल्स पड़ी थी, भूल गए, तुम्हें को याद थोड़ी रखना, सर याद रखेंगे, ये रहा डायग्राम। इसके अंदर मैंने बताया था आपको पांच लेयर होते स्क्रोटम की, देखो ये रही, स्किन, डाटस मसल्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रेमास्टरिक मसल्स और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। यहां टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस की सबसे आउटर जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजीनिया बोलते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजीनिया की भी दो लेयर होती है, जो एक तो टेस्टिस की तरफ होती है उसको तो बोलते हैं विसरल, और दूसरी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया की तरफ होती है उसको क्या बोलोगे, पेराइटल। क्या बोलोगे उसको, पेराइटल, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी कौन सी, पेराइटल, और ये होगी कौन सी, विसरल, ठीक है। दो लेयर है, विसरल और पेराइटल। पेराइटल किसकी तरफ है, स्पर्मेटिक फेशिया की तरफ, और आपके विसरल किसकी तरफ है, टेस्टिस की तरफ। समझ में आ गया, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो किसका कन्वर्टिंग रूप है, पेरिटोनियल सेक का कन्वर्टिंग रूप है। इसकी दो में दो लेयर होती है, विसरल और पेराइटल। पेराइटल होती है जो किसकी तरफ होती है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया की तरफ, और विसरल किसकी तरफ होते हैं, टेस्टिस की तरफ। इसमें लेस अमाउंट के अंदर, ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल कुछ एक अमाउंट के अंदर फ्लूड होता है, जो फ्लूड इस टेस्टिस के मूवमेंट को अलाउ करता है। क्या करता है, टेस्टिस के मूवमेंट को, फ्रीली मूवमेंट होता है टेस्टिस का किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर, उस मूवमेंट को अलाउ करता है, फ्री मूवमेंट। जो टेस्टिस है, इनका जो फ्री मूवमेंट होता है उसको अलाउ करता है, कुछ फ्यू अमाउंट के अंदर इसमें क्या होता है, फ्लूड होता है, वो वाला फ्लूड, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, सेकंड वन, सेकंड जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ट्यूनिका एल्बुजीनिया एक डेंस फाइब्रस कोट है। कौन सी, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। अपन ने यहां देखा था,
सेकंड जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाली सेकंड लेयर कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कैसी है, डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है, सघन, कैसी है, सघन, डेंस फाइब्रस कोट है, कैसा है, फाइब्रस मतलब फाइबर कंटेन करता है, डेंस फाइब्रस कोट। कौन सी लेयर है, मिडिल लेयर है, डेंस है, डेंस का मतलब सघन, फाइब्रस टिश्यू कंटेन करता है, कौन सा टिश्यू कंटेन करता है, फाइब्रस टिश्यू कंटेन करा, ऑल अराउंड द चारों तरफ प्रेजेंट होती है, किसके, टेस्टिस के, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है थोड़ा सा पार्ट छोड़ना है, कौन सा पार्ट, जहां से पोस्टीरियरली टेस्टिस के अंदर ब्लड वेसल्स और जो नर्व एंडिंग्स और कुछ पार्ट किसका, एपिडिडाइमस का क्या होता है, एंटर होता है, उस पार्ट को छोड़कर बाकी सभी जगह पे कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। देखिए कहाँ नहीं होती, इस पोर्शन में नहीं होती, कि यहाँ पे एक तो क्या होती है, ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स और एपिडिडाइमस, वो क्या होता है, एंटर होता है, तो उस जगह पे थोड़ी सी ट्यूनिका एल्बुजिनिया अब्सेंट होती है, बाकी ऑल अराउंड प्रेजेंट होती है, ऑल अराउंड द टेस्टिस, टेस्टिस के चारों तरफ क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये बाहर की तरफ से किसकी को कवर करती है, या इसको बाहर की तरफ से कौन कवर करती है, विसरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनलिस, वेजाइनलिस की कौन सी लेयर होती है इसके बाहर की तरफ, विसरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्योंकि यहां पे ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ट्यूनिका वेजाइनलिस के दो पार्ट, पेराइटल और विसरल, तो कौन सी कवर करती है, विसरल वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन कि जो पोस्टीरियरली जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो थिक होती है, थिक, पोस्टीरियरली जो है वो क्या होती है, थिक होती है, क्यों होती है थिक, क्योंकि वहां पे मीडिया स्टेनम वो किसका फॉर्मेशन करती है, जो टेस्टिस का जो मीडिया स्टेनम है, मीडिया स्टेनम का मतलब मीडियल जो सरफेस है उसका फॉर्मेशन करती है। देखो अब यहां डायग्राम, अपन पहले डायग्राम की बात करें तो अपन उस तरफ से इस तरह देख रहे थे, अब क्या है, अब मीडियल बॉर्डर इधर हो आ गया, क्योंकि एपिडिडाइमस की तरफ कौन सा बॉर्डर होता है इसका, मीडियल बॉर्डर होता है, तो मीडियल स्टेनम है जो स्टेनम है उसका फॉर्मेशन करने के लिए ये क्या होती है, पोस्टीरियरली जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो क्या होती है, थिक होती है। देखो यहां से देखो ये थोड़ी सी इसकी मोटाई ज्यादा है, ठीक है, पोस्टीरियरली इसकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन अपन देखते हैं कि काफी नंबर के अंदर जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसकी सरफेस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स कंटेन करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 से 300, 200 से 300 लोब्यूल कंटेन करते हैं, ये जो है ना, ये जो लोब्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 लोब होते हैं किसके अंदर, एक टेस्टिस के अंदर, जो इनसाइड होते हैं किसके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, किसके इनसाइड होते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं किसकी, ट्यूनिका वस्कुलोसा, ट्यूनिका वस्कुलोसा कहां प्रेजेंट होती है, सबसे अंदर की साइड में, ये वाली जो लेयर है, ये जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा, कौन सी लेयर है, ट्यूनिका वस्कुलोसा, जो सबसे अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, कहां प्रेजेंट होती है, ऑन द लाइनिंग ऑफ द लोब्यूल्स, जो ये लोब्यूल्स है, ये वाले जो लॉब्स है, इन लॉब्यूल्स या लॉब्स की जो लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। कहा होती है, लाइनिंग ऑफ द लॉब्स, जो लॉब्स की लाइनिंग है वहां पे प्रेजेंट होती है, लॉब्स बोल दो, लॉब्स बड़ा रूप हो जाएगा, छोटा बोलोगे तो इसको लॉब्यूल्स बोल दोगे, लॉब्यूल्स और लॉब्स होते हैं उनकी लाइनिंग पे ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो टेस्टिस है, इन जो टेस्टिस की जो कवरिंग है, टेस्टिस के अंदर जितने भी लॉब्स बनते हैं ये मोस्ट कॉमनली लोब्यूल्स या लॉब्स किसके बने हुए होते हैं, ट्यूनिका वस्कुलोसा के ही बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ट्यूनिका वस्कुलोसा के, और जो ये टेस्टिस है कंप्लीटली
स्क्रोटम के द्वारा क्या रहता है, कवर्ड रहता है। तो अपने क्या पढ़ा आज, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के कितने पार्ट होते हैं, कितनी सरफेस बॉर्डर और पोल्स पड़े हैं, इसका डायमीटर पड़ा है, वेट पड़ा है, और उसके बाद में इसकी कवरिंग पड़ी है। कवरिंग तीन होते हैं, वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया और वास्कुलोसा। अब बच्चे इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।